तो दोस्तों डोंबिवली बनने जा रहा है कल्चर ओरिएंट स्मार्ट सिटी, क्या आपको पता था? नहीं पता था तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, देखते रहिए डोंबिवली की फुल जानकारी हम इस वीडियो में। डोंबिवली कैसे बनने जा रहा है स्मार्ट सिटी हम बात करेंगे। दोस्तों कई बार लगता है कि डोंबिवली एक अलग एरिया है, थोड़ा दूर है, हम ऐसा सोचते हैं। पर दोस्तों आपने पलावा सिटी के बारे में सुना होगा जो कि 4500 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों डोंबिवली की बात करें तो स्कूल, मॉल्स, कॉलेज और बहुत सारी चीजों की सुविधा आने वाली है। दोस्तों क्योंकि हम देखते हैं एक कैटेगरी के डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स डोंबिवली में ही, और दोस्तों इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख। और दोस्तों जब डोंबिवली के बारे में सोचते हैं, वहां जाने के बारे में सोचते हैं, वहां होने वाले ट्रैफिक के बारे में भी सोचते हैं, तो चलिए बात करते हैं हम वहां के ट्रैफिक के बारे में, जो कि दोस्तों ये जो रोड आ रहा है आपके सफर को आसान करने वाला है। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में एरोली कटाई नाका फ्रीवे आपको मिलने वाले। और दोस्तों बात करते हैं मानकोली ब्रिज की, जो कि लगभग तैयार हो गया। लोकल ट्रेन की क्या बात करें, वो तो मुंबई की जान है। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में, हम आपको डोंबिवली से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आने वाले समय में बुलेट ट्रेन के बारे में, सुना होगा आपने, जो कि डोंबिवली से अहमदाबाद के लिए जाने वाला है। और दोस्तों कई बार दिमाग में आता है कि हम बाकी चीजों के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है, तो दोस्तों बाकी चीजें भी डोंबिवली में होने वाला है, मॉल्स, क्लब, ये सारी चीजें आने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम बहुत सारी बातें जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं, और दोस्तों आपको बता दें सारी बातों को देखते हुए एयरपोर्ट भी लगभग पास में ही, तो सारी सुविधाएं जो है नवी मुंबई में आपको मिलने वाली है। दोस्तों मेरे ख्याल से अगर डोंबिवली में रहे आधा घंटा से 45 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। जो ट्रैफिक है रोड बनने के बाद तो लगभग सॉल्व हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतने, कुछ पसंद आया होगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर डोंबिवली के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको फुल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good,